अगर आप गैलेक्सी नोट 3 एंड 9005 यूज कर रहे हैं किसी वजूहत की बिना पर आपके गैलेक्सी नोट 3 सैमसंग लोगो पे स्टक हो गया है, आगे बूट नहीं कर रहा और काफ़ी सारा डेटा आपके सेट के इंटरनल स्टोरेज में मौजूद है जिसे आप चाहते हैं कि उसको सेव कर दिया जाए, लेकिन अगर आप स्टॉक रोम फ्लैश करते हैं तो आपके सेट का इंटरनल स्टोरेज फॉर्मेट हो जाएगा और सारा डेटा जो है वो वॉश आउट हो जाएगा। लिहाजा ऐसा क्या किया जाए कि सेट बूट भी कर जाए और आपका डेटा मौजूद रहे, सेफ रहे। तो आज की वीडियो आपके लिए करामत रहेगी कि अगर आप इसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं तो मेरी वीडियो को देखिएगा और स्टेप्स को फॉलो करें, यकीनन कामयाबी आपके कदम चूमेगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक या टैप कर दीजिएगा ताकि आप जुड़े रहें मेरे चैनल के साथ, और साथ में बनी बेल आइकन को भी क्लिक या टैप जरूर कर दीजिएगा ताकि बर वक्त आपको नोटिफिकेशन मिले मेरे हर नई आने वाली वीडियो की और आप देख सके क्या पता कौन सी वीडियो आपके काम आ जाए। इस प्रोसीजर में डेटा केबल की जरूरत पड़ेगी, कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी, कुछ फाइलें आपको डाउनलोड करनी होगी और अपने मोबाइल की बैटरी 70-80% चार्ज कर लीजिएगा। अगर आप सैमसंग अकाउंट यूज करते हैं और आपने सैमसंग अकाउंट लॉगिन किया है तो फिर ये प्रोसीजर आपके सेट पे अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि रीएक्टिवेशन लॉक जो है वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है जब आप सैमसंग अकाउंट लॉगिन करते हैं, जिसकी वजह से कस्टम रिकवरी फ्लैश नहीं होती। अगर आप सैमसंग अकाउंट यूज नहीं करते तो फिर आप बिना झिझक इस प्रोसीजर को अप्लाई करें और आपका सेट जो है लाजमी बूट कर जाएगा। जनाब बढ़ते हैं, कंप्यूटर की जानिब कुछ फाइलें डाउनलोड करनी पड़ेगी। लिंक्स मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं ताकि आपको आसानी हो डाउनलोड करने में। एक नया फोल्डर अपनी हार्ड ड्राइव पर बनाइएगा। सबसे पहले सैमसंग एंड्रॉयड यूएसबी ड्राइवर को इंस्टॉल कीजिएगा डाउनलोड करने के बाद अपने विंडोज में, ताकि आप जब भी अपने कंप्यूटर के साथ मोबाइल फोन को कनेक्ट करें तो ड्राइवर की इंस्टॉलेशन ऑटोमेटिकली हो जाए। दूसरी फाइल है ऑर्डिन 3.12.7, इसको भी लाजमी डाउनलोड करें और अनजिप कर दीजिएगा। तीसरी फाइल जो है वो टीम इन रिकवरी है 3.3.1, जो कि हम फ्लैश करेंगे अपने मोबाइल नोट 3 N9005। ये बताता चलूं कि ये कस्टम रिकवरी सिर्फ और सिर्फ N9005 के लिए है। चौथी फाइल है हमारा स्टॉक रॉम नोट 3 के लिए लॉलीपॉप वर्जन 5.0, ये डाउनलोड लाजमी कर दीजिएगा, हम फ्लैश करेंगे कस्टम रिकवरी की मदद से। और चौथी फाइल आप चाहें तो फ्लैश कर सकते हैं जो कि स्टॉक लॉलीपॉप रिकवरी है। जब हम सारा काम कर दें तो आखिर में हम अपने सेट को प्योरली स्टॉक बनाने के लिए स्टॉक लॉलीपॉप रिकवरी फ्लैश कर सकते हैं। अब आप सबसे पहले ऑर्डिन को अनजिप कीजिएगा यहाँ, उसके बाद स्टॉक लॉलीपॉप रिकवरी को भी अनजिप कर दीजिएगा यहाँ। आप ऑर्डिन वाले फोल्डर को डबल क्लिक करके ओपन करें, उसके बाद दोबारा एक फोल्डर होगा ओपन कीजिएगा, फिर ऑर्डिन 3.12.7 पे डबल क्लिक करके ऑर्डिन को आप ओपन कीजिएगा, फिर आप यहाँ एपी पे क्लिक कीजिएगा और उस फोल्डर में जाइएगा जिस फोल्डर में आपकी फाइलें सेव थी। आपको यहाँ जो कस्टम रिकवरी है N9005 TWRP, ये फाइल आपको सेलेक्ट करनी होगी। इसको सेलेक्ट करें और ओपन पे क्लिक करें और ऑर्डिन जो है इस वक्त रेडी है। अब हम बढ़ते हैं मोबाइल फ़ोन की जानिब। मोबाइल फ़ोन को अब हमें बूट करना होगा डाउनलोड मोड में, जिसके लिए वॉल्यूम डाउन की ये प्रेस करके रखें, होम की प्रेस करके रखें और पावर की, इन तीनों की इसको प्रेस करके रखिएगा, वार्निंग की स्क्रीन आ जाएगी कि इसको रिलीज कर दीजिएगा। वॉल्यूम अप की एक बार प्रेस कीजिएगा तो कंटिन्यू हो जाएगा और ये रही हमारी डाउनलोड मोड की स्क्रीन। अब की बार आप केबल कनेक्ट कीजिएगा मोबाइल फ़ोन के साथ और केबल का दूसरा हिस्सा देख लीजिएगा, कनेक्ट होना ज़रूरी है कंप्यूटर के साथ। अगर आप फर्स्ट टाइम कनेक्ट कर रहे हैं तो विंडोज़ जो है वो ड्राइवर की इंस्टॉलेशन शुरू कर देगा, और अगर आप पहले कनेक्ट किया हुआ होगा तो आपको ऑर्डिन शो करेगा। जैसे यहाँ मेरे पास स्क्रीन पे आपको COM7 नज़र आ रहा है और जो है ऑर्डिन ने सेट को एडिट कर दिया है। अब आप सिंपली स्टार्ट पे क्लिक करें और फ्लैशिंग शुरू हो जाएगी। सेट को हाथ में पकड़ के रखें, जैसे ही सेट रिस्टार्ट हो होम की और पावर वॉल्यूम अप की दबा के रखिएगा, सेट जो है वो रिकवरी में बूट हो जाएगा। हमारा ऑर्डिन से काम ख़त्म, मैं ऑर्डिन को बंद कर देता हूँ।
ये रही हमारी कस्टम रिकवरी की स्क्रीन जो कि आपके सामने है। और अब जो है यहाँ पे जब आप देखेंगे, क्योंकि केबल कनेक्टेड है, मैंने केबल डिसकनेक्ट नहीं किया है मोबाइल से, स्क्रीन पे आपके सामने आपका जो है नोट 3 का फोल्डर नज़र आ जाएगा, इंटरनल स्टोरेज। आप डबल क्लिक कीजिएगा, यहाँ आपको तमाम फाइलें नज़र आएगी। अब जैसे कि DCIM का जो फोल्डर है, जब आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो कैमरा का फोल्डर होगा, इस पर डबल क्लिक कीजिएगा तो आपको ये आपकी जितनी भी तस्वीर आपने खींची होगी अपने कैमरे से, वो आपको यहाँ सब नज़र आएगी। आप बेशक यहाँ से तमाम फाइलों को सेलेक्ट करके यहाँ से कॉपी करें और अपने कंप्यूटर के किसी हार्ड ड्राइव में फोल्डर नया बनाएं और आप यहाँ इसको पेस्ट कर सकते हैं। इस तरह आप अपना डेटा जो है वो मूव कर सकते हैं अपने हार्ड ड्राइव में अपने मोबाइल से। इसके अलावा आपके म्यूज़िक वाला फोल्डर में अगर आपकी फाइलें सेव हो तो आप यहाँ से भी इसको सेव कर सकते हैं। और ये मेरा व्हाट्सएप का फोल्डर है, और व्हाट्सएप का फोल्डर और इसके अलावा व्हाट्सएप बिजनेस में यूज़ कर रहा था, इन दोनों फोल्डर को मैं यहाँ से एज इट इज़ कॉपी करूँगा और अपने कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव में पेस्ट कर दूंगा। और जब आप मुतमईन हो जाए कि आपने सारा डेटा कॉपी कर दिया है, देन आप दोबारा अपने हार्ड ड्राइव में जाइएगा, उस फोल्डर में जाइएगा जिस फोल्डर में आपने फाइलें डाउनलोड की थी। और अब की बार हम यहाँ से ये जो रोम थी, रोम वाली फाइल, इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे और जो मेरा इंटरनल स्टोरेज है उसके नोट 3 का, वहाँ मैं पेस्ट कर दूंगा। रोम की फाइल कॉपी करने के बाद दोबारा आप उस फोल्डर में जाइएगा जिस फोल्डर में फाइलें सेव थी, हमने जो स्टॉक रिकवरी अनजिप की थी उस फोल्डर को ओपन कीजिएगा और यहाँ से स्टॉक लॉलीपॉप रिकवरी को कॉपी कीजिएगा और अपने दोबारा मोबाइल के इंटरनल स्टोरेज में आके यहाँ पेस्ट कर दीजिएगा। चलिए जी, फिलहाल हमारा कंप्यूटर से काम ख़त्म जी। मैं कंप्यूटर को ऑफ़ कर दूंगा और मैं भी मोबाइल की तरफ बढ़ूंगा। मोबाइल को डिसकनेक्ट कीजिएगा केबल से। अब आप सिंपली जो है, अब आपने डेटा सारा सेव कर दिया होगा यकीनन, जिस तरह आपने देखा कि मैंने अपना सारा डेटा सेव कर दिया है। जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने सारा डेटा अपना मूव कर दिया है कंप्यूटर में, फिर उसके बाद आप वाइप पे टैप कीजिएगा, एडवांस वाइप पे टैप कीजिएगा। फर्स्ट वाला पार्टीशन डेल्विक, इसको सेलेक्ट करें, सेकेंड सिस्टम, थर्ड डेटा, फोर्थ इंटरनल स्टोरेज को मत कीजिएगा, फिफ्थ कैश है, इसको सेलेक्ट करने के बाद स्वाइप करें। फॉर्मेटिंग शुरू होगी, फिलहाल आपका इंटरनल स्टोरेज बचा हुआ है, बैक कीजिएगा, मेन स्क्रीन पे आए, फिर दोबारा आप इंस्टॉल पे टैप कीजिएगा, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइएगा। ये रहा वो का जो स्टॉक रोम की फाइल है लॉलीपॉप नोट 3 के लिए, सेलेक्ट करें और स्वाइप कर दीजिएगा। फ्लैशिंग शुरू होगी और थोड़ी देर में जो है फ्लैशिंग कंप्लीट होती है, फिर आगे बढ़ते हैं। जब स्टॉक रोम फ्लैश हो जाए तो सक्सेसफुल आपको यहाँ नज़र आएगा, सिंपली आप रीबूट सिस्टम पर टैप कीजिएगा, डू नॉट इंस्टॉल पर टैप कर दीजिएगा, सेट रीबूट होगा। अब की बार आप देखेंगे लोगो नज़र आएगा और लेकिन ये स्टक नहीं होगा और रोम बूट होना शुरू हो जाएगी। देखा आपने जी, चले आपको खुशी महसूस हो रही होगी यकीनन कि काफ़ी टाइम तक आपका नोट 3 जो है वो लोगों पे स्टक था, आप परेशान थे, आपका डेटा भी, आप चाह रहे थे कि डेटा भी सेफ हो जाए। देखा आपने जी, आपने अपना डेटा भी सेफ किया इंटरनल स्टोरेज का, आपने स्टॉक रोम भी फ्लैश कर दी लॉलीपॉप, बोट बूट हो जाए रोम, फिर आगे बढ़ते हैं। चलें जी, रोम बूट हो गई है और सेटअप स्क्रीन को हम कंप्लीट करते हैं। और इस वक्त अगर आप देखें तो मैं अगर गैलरी में जाऊं तो स्टिल मेरे पास जो है वो सारा डेटा अभी भी सेफ है, मेरी तमाम पिक्चर्स, एवरीथिंग, मेरा व्हाट्सएप का फोल्डर स्टिल रिमेनिंग जो है मेरे इंटरनल स्टोरेज पे सेफ है। अब एक तरीका ये था कि जो मैंने कंप्यूटर पे सेव किया वो एक रिस्क था, क्योंकि अगर ये रोम फ्लैश नहीं होती, कोई और गड़बड़ हो जाती तो शायद जो है वो इंटरनल स्टोरेज को फॉर्मेट करना पड़ जाता। लिहाजा मैंने कस्टम रिकवरी में रहते हुए तमाम फाइलें मैंने अपने कंप्यूटर में सेव इसलिए की, एक रिस्क था, अगर मैं सेव नहीं करता और मेरे फ्लैशिंग में कोई प्रॉब्लम आती तो स्टॉक रोम अगर मुझे फ्लैश करना पड़ जाता
तो ये जो इस वक्त आपको इंटरनेट स्टोरेज पे नज़र आ रहा है डेटा, वो सारा का सारा वॉश आउट हो जाता। ये रोम स्टॉक रोम है और सब कुछ जो आप चाहते हैं रोज़मर्रा के, वो तमाम इस पे काम करेगी, एवरीथिंग विल वर्क। और दूसरी बात, अगर आप चाहते हैं कि नहीं स्टॉक रिकवरी की तरफ, तो सेट को ऑफ कीजिएगा। जब सेट प्रॉपरली टोटली पावर ऑफ हो जाए, फिर बूट करेंगे कस्टम रिकवरी में, जिसके लिए वॉल्यूम अप की दबा के रखें, होम की दबा के रखें, फिर पावर की। थोड़ी देर में तो आपको स्क्रीन पे नज़र आएगा ऊपर की तरफ रिकवरी बूटिंग, आप की छोड़ दीजिएगा, रिकवरी बूटिंग आपकी स्क्रीन पे। जब रिकवरी बूट हो जाए, सिंपली आप इंस्टॉल पे टैप कीजिएगा, इंस्टॉल इमेज पे टैप कीजिएगा, स्क्रोल डाउन करके ये रिकवरी स्टॉक लॉलीपॉप रिकवरी इमेज फाइल है, पड़ी हुई है, ऑलरेडी मैंने सेव की थी, इसको सेलेक्ट करें, रिकवरी को सेलेक्ट करें, रिकवरी पे टैप कीजिएगा और स्वाइप कर दीजिएगा, स्टॉक रिकवरी फ्लैश हो गई है, बैक कीजिएगा, बैक बैक बैक, और अब आप इसको रिबूट करके रिकवरी में बूट कर दीजिएगा, रिकवरी पे टैप करके डू नॉट इंस्टॉल पे। अब के बार जो रिकवरी की स्क्रीन आपके सामने आई कि रिकवरी बूटिंग, लेकिन वो येलो लाइन नहीं नज़र आ रही आपको, अब स्टॉक रिकवरी आपके स्क्रीन पे, द नोट 3 इज बैक ऑन स्टॉक नाउ। ये रही स्टॉक रिकवरी। अब आप सिंपली इस पे यहाँ पे पावर की दबाएं, सिस्टम रिबूट होगा और सिस्टम जो है दोबारा से बूट करेगा स्टॉक रोम की तरफ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी उन दोस्तों के साथ ज़रूर करें जिन दोस्तों के पास नोट 3 का सेट है और वो अगर इस मुश्किल में फंसे हुए हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।